मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज लेंस। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स देखा था कि व्हाट इज द मिरर एंड कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। वहाँ पे दो टाइप्स के मिरर देखे थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस। तो स्टूडेंट्स, लेंस होता क्या? लेंस होता है जिसकी दोनों साइड स्फेरिकल होती है या एक साइड स्फेरिकल होती है। तो क्या है, पहले उसके डेफिनेशन देखे थे। व्हाट इज द लेंस? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट हो जिसके दोनों ओर विजिबिलिटी हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, जिसकी का दोनों सरफेस होती है, बट विच वन और दो सरफेस आर स्फेरिकल, जिसकी दोनों सरफेस या एक सरफेस स्फेरिकल होती है, यानी टर्न होती है, घूमी होती है। ओके, तो कितने टाइप्स की लेंस होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, कॉन्वेक्स होता है जिसकी थोड़ी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है उभरी हुई उभार होती है। जैसे स्टूडेंट्स, दिस इज ए कॉन्वेक्स, कॉनकेव जो दो कॉन्वेक्स जब आपस में मिल जाएगा तो स्फेरिकल लेंस बन जाएगा। इसकी क्या दोनों साइड, ये साइड और ये साइड दोनों क्या होती है? स्फेरिकल सरफेस। दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या बनाएगा? फॉर्म कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। अब कॉन्वेक्स में देखिए स्टूडेंट, ये साइड ऊपर साइड क्या होती है? ये थिन होती है, बीच की जो साइड होती है वो क्या होती है? थिक होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है स्टूडेंट? इसकी थ्री ऐसे शेप होती है। ये इसकी क्या होते हैं किनारे तो क्या होते हैं पतले होते हैं, थिन होता है। सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है? थिक होता है। अभी देखिए जो इसके जो एंड्स पॉइंट है वो क्या है? थोड़े पतले हैं, थिन है। जो सेंटर पार्ट है इसको क्या होता है? वो थिक होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ए कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लाइट को क्या होता है? कन्वर्ज करते हैं, यानी कन्वर्ज करके ये लाइट से आ रही है तो उसको एक पॉइंट पे आके मिला देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। सेकेंड है हमारा कॉनकेव लेंस। केव मीन्स अंतर, गुफा की ओर। तो कॉन्वेक्स हमने देखा था, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इन दोनों को उल्टा कर दिया जाए, दोनों साइड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड है, जिससे कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस दोनों सरफेस के स्फेरिकल होगी। इसमें इसकी शेप क्या होगी? इस टाइप की होगी। ये एक हाई शेप देखिए, आप दोनों मिला दीजिए तो ये शेप होती है। इससे क्या होता है कि इसकी जो एंड पॉइंट होते हैं थिक होते हैं और सेंटर पॉइंट होता है थिन, थोड़ा पतला होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो पतले होते हैं और जो सेंटर पॉइंट था वो थिक था, लेकिन कॉनकेव में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो थिक होते हैं और सेंटर पॉइंट क्या होता है? थोड़ा थिन होता है। दिस ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। उसको क्या डाइवर्जिंग, यानी लेंस को और फैला देता है, ये जूम कर देता है, फैला देता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करने से पहले हम देखेंगे इसके रूल्स क्या है। तो एक थ्री रूल्स फॉलो होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट रूल क्या है? दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ओके, और दिस इज सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज ए ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसका जो स्फेरिकल जो लेंस इसका सेंटर पॉइंट, दिस इज ए ऑप्टिकल सेंटर, और ये फोकस वन और ये फोकस टू। ये आप लोग स्टूडेंट्स जैसे बनाएगा जिससे कि आपको इमेज डायग्राम से हम रूल्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या, जब लाइट रे आएगी वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल से पैरेलल आएगी तो वो कहाँ टर्न होगी? वो फोकस से निकलेगी। तो कैसे निकलेगी? वो यू निकलेगी। तो फर्स्ट कहाँ से निकलेगी? ये तो फर्स्ट रूल तो ये है कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से टर्न होती है। रूल सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? रूल सेकेंड ये है कि जब कोई लाइट, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर, ओके, और दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ वन फोकस और दिस इज एफ टू। तो सेकेंड रूल क्या कहते हैं? जब कोई आएगी यहाँ पे लाइट आएगी तो वो कहां से निकलेगी? जब तो यहां से कोई लाइट निकलेगी जो वो प्रिंसिपल वो फोकस से निकलेगी। पहली रे कहां से निकली थी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके फोकस से निकली थी। अब सेकंड रे की यदि कोई रे प्रिंसिपल देखेंगे, रे फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस पे जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो इन्फिनिटी पर रखने के लिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? फर्स्ट इसे देखिए, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ए ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ए एफ वन फोकस, F2, this is it, 2F2. Remember it, always use as a scale, scale use कीजिएगा, क्योंकि जितना सेंटीमीटर ये होगा उतना ही सेंटीमीटर ये होगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यदि 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से इसकी सेंटर जो होती है लेंथ वो डबल होनी चाहिए और ये इसकी हाफ होनी चाहिए। इसलिए ऑलवेज स्केल यूज कीजिएगा। स्केल जब स्टूडेंट्स आप बनाएंगे तो आपकी इमेज एक्जैक्टली सेम पोजिशन वही बनेगी जहां आप इमेज को चाहते हैं। तो ओके, तो इधर भी आप देखिएगा F1,
दिस इज अ 2f1। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहा था इन्फिनिटी पर रखा, तो इन्फिनिटी से रे आ रही है तो कहाँ आ रही, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आएगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो कहां से निकलेगी रूल फर्स्ट क्या कहता है कि वो फोकस से निकलेगी, कहां से निकलेगी तो फोकस से निकलेगी। ओके, सेकेंड रूल इमेज फॉर्म होगी एक रूल की, एक रे की ऑर्जरत होती तो सेकंड रे भी कहां आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आगे, वो भी कहां से निकलेगी फोकस से ही निकलेगी। तो जितनी भी रे आएंगी इन्फिनिटी से वो सब कहां होंगी फोकस पे जाके मीट कर जाएंगी। तो जब सपोज ये और भी रे आएंगी तो सब कहां होंगी, सब फोकस पे ही निकलेगी, और भी रे आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पे। इमेज कहां फॉर्म हो स्टूडेंट्स एट द फोकस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या देखते हैं, हम प्रॉपर्टीज का लिखेंगे, प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या है, इमेज कहां फॉर्म हो रही है एट फोकस, इमेज कहां फॉर्म हो रही है एट फोकस। सेकेंड इमेज क्या है, रियल एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है, सारी रेज एक दूसरे को काट रही है, तो क्या रियल इमेज है, और रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है स्टूडेंट इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज होती है। तो रियल हमें दिख नहीं रही उल्टी है, लेकिन रियल ऑलवेज इन्वर्टेड, जहाँ रियल है आपको हमेशा इन्वर्टेड करना, रियल क्या है इमेज क्या है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल क्यों है क्योंकि एक दूसरे को काट रही है, वर्चुअली काट रही है, रियल में लग रहा है एक दूसरे को बिल्कुल काट रही है। और साइज क्या होगा, बहुत पॉइंट्स है जी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज फॉर्म हो रही, तो क्या पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज साइज या हाईली डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट, तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा तो ये इमेज फॉर्म होती है। अब हमारे ऑब्जेक्ट को हम कहा रखेंगे बियॉन्ड 2f1 यानी किसी एक फिक्स जगह पे। तो स्टूडेंट अब हम अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, तो बियॉन्ड 2f1 रखेंगे इमेज कहाँ हो तो स्टूडेंट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस और दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज अ f2 2f1 2f1। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहा था बियॉन्ड 2f1 यानी किसी डेफिनेट प्लेस पे रख दिया, पहले तो क्या इन्फिनिट पे था, अब डेफिनेट सपोज यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो ये ऑब्जेक्ट का हेड है ये टेल है, तो दिस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका हेड है टेल है। अब जो रेज आएंगे स्ट्रिप्स आप इसके अकॉर्डिंग हाइट में रहेगा, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो रूल्स पल्स के अकॉर्डिंग कहां से निकलेगी वो फोकस से निकलेगी, तो यहाँ कहां से निकलेगी फोकस से निकलेगी, तो यहाँ निकलेगी फोकस पे। अब सेकंड क्या होता है इमेज फॉर्म में टू रेज जो होते हैं, सेकंड रेज कहां निकलेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से निकलेगी, तो कहां से निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये एक दूसरे को कहाँ मीट कर रही है स्टूडेंट, यहाँ मीट कर रही है, तो जहां मीट करती है वहां क्या होती है इमेज फॉर्म होती है, तो इमेज क्या होगी यहाँ पे मीट होगी। तो ये स्टूडेंट ये क्या है, ये इसका ए है, ये पी है, ओके ये ए डैश है, दिस इज अ पी डैश। अब आप देखिए स्टूडेंट जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऐसे हो रही है, सपोज मैं यहाँ खड़ी तो इमेज फॉर्म होगी जो ये सब, तो ये दिस इज अ लेंस, ओके दिस स्फेरिकल लेंस, तो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ से रेज आ रही थी, तो रेज जब यू बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही, तो मेरा हेड जो है उसकी इमेज नीचे जाएगी, तो रेज का इमेज इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी बनेगी, तो रियल बनेगी उल्टी बनेगी, क्योंकि रेज यहाँ से नहीं जाएगी तो हेड मेरा नीचे जाएगा और मेरे पैर ऊपर होंगे प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, तो रेज कहाँ फॉर्म होगी, तो ये यू जा रही है, तो यू आके मिल रही है, तो ये मेरा हेड है, ये मेरे लेग्स है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी यहाँ, लेकिन उल्टी इंटरसेप्ट तो कर रही, दूसरों को काट रही, रियल में मीट कर रही, लेकिन इमेज उल्टी बनेगी। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ देखिए इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन एक्ट टू एंड टू, एक्ट टू के बीच पे यहाँ पे क्या हो रही है इमेज फॉर्म हो रही, तो बिटवीन एक्ट टू एंड टू, एक्ट टू के बीच में इमेज फॉर्म हो रही, इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। सेकेंड क्या है, क्या है एक दूसरे को रियल में काट रही है, तो क्या है रियल, और रियल ऑलवेज क्या होती है इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, तो इमेज क्या होगी इन्वर्टेड। थर्ड देखिए ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या है बड़ा और इमेज क्या है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंपेरिजन में ऑब्जेक्ट छोटी है, तो क्या होगी डिमिनिश्ड यानी छोटी नहीं है, डिमिनिश्ड।
अब स्टूडेंट्स आप अपने ऑब्जेक्टिव कहाँ रखेंगे, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे. ओके, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज अ F2 फोकस, दिस इज अ 2F2, दिस इज F1, दिस इज अ 2F1. अब अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, F1 और 2F1 यानी कि दोनों के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे. हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को रखा. ओके, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे है तो पास आते जा रहा है, हम पास आते जा रहे हैं इस लेंस के, तो ऑब्जेक्ट पास आते जा रहे थे, इमेज तब बड़ा तुम छोटे जाएंगे, तो यहाँ पे इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है. अब प्रिंसिपल एड्रेस एक्सिस पैरेलल आ रही है, फर्स्ट क्या करता है, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी, कहाँ निकलेगी, यहाँ से निकलेगी. सेकेंड रेस कहाँ निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. स्टूडेंट देखिएगा जब ये रेज निकल रही है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो A1, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि ये उल्टी इमेज होगी, तो दिस इज अ B1. ओके, अब आप देखिएगा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो कहाँ पे हो रही है, बियॉन्ड 2F2, किसके पीछे, 2F2 के बाद इमेज फॉर्म हो रही है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या रियल है, तो प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, फर्स्ट एट कहाँ हो रही, बियॉन्ड 2F2 यानी 2F2 के बाद में इमेज फॉर्म हो रही है. सेकंड क्या है, रियल है लेकिन इन्वर्टेड, तो एक दूसरे को नजर आ रहा है, दूसरे को काट के मीट कर रही है, तो रियल और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड. थर्ड क्या, साइज क्या है, अब आप देखिए ऑब्जेक्ट का साइज तो छोटा है लेकिन इमेज का साइज बढ़ रहा है. स्टूडेंट्स आप एक बात नोटिस की, जैसे जैसे हम लेंस के पास जा रहे हैं ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा जा रहा है. मैं वापस बोल दू, जब हम लेंस के पास जाते जा रहे हैं तो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, इमेज क्या है, मैग्नीफाइड. तो क्या है, इमेज मैग्नीफाइड. ओके, अपने ऑब्जेक्ट को कहा रखे, बिटवीन लेंस एंड F1, लेंस से F1 के बीच में यहाँ किसी जगह हम अपने ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे. ओके, सीधा कर लीजिएगा, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ेंगे, सीधा, तो अपने ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ, तो यहाँ अपने ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ F1 और लेंस के बीच में खड़ा है, तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, सेकेंड कार्य सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी. अब आप देखिए कि दोनों रेज एक दूसरे को फैल रही है, यानी ये क्या होती है, डाइवर्जिंग हो रही, एक दूसरे को फैल रही है, फिर कहां जाके मिलेंगी, पीछे कहीं जाके एक दूसरे से मीट करेंगे, तो ऐसे आप देख लें, तो कहीं जाके पीछे जाके ये यहाँ पे इमेज फॉर्म करे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, फॉर्म होगी इमेज, यहाँ फॉर्म होगी, तो इमेज सीधा कर देगा, तो इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो पीछे वर्चुअली आप मीट कराओगे तो आगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आगे तो ये क्या होती है, डाइवर्जिंग है, दूसरे को फैले जाएंगे, कहीं पेम्पेटिव जाके मीट नहीं करेंगे, पीछे आप वर्चुअली मिलाएंगे तो यहाँ जाके मीट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो पीछे और ये पूरी ऐसे आएगा ए और बी, तो यहाँ इसकी इमेज फॉर्म होगी, तो इमेज फॉर्म होगी, देखिएगा स्टूडेंट की क्या, सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस की सेम साइड में इमेज फॉर्म हो रही, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, सेम साइड, क्या है, ऑब्जेक्ट आपका छोटा और इमेज बहुत बड़ी हो रही है, ऑब्जेक्ट आपका छोटा इमेज क्या बड़ी, तो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड कर दीजिएगा, क्या है, रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल है, क्योंकि ये मीट नहीं हो रही, एक्चुअली पीछे हमने मीट करवाया तो वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल इमेज हमने क्या होती है, इरेक्ट और अपराइट, वर्चुअल क्या होती है, इरेक्ट और अपराइट, इरेक्ट और अपराइट, इसकी प्रॉपर्टीज, इमेज कहाँ फॉर्म हुई, देखिएगा स्टूडेंट कहाँ आपने ऑब्जेक्ट को रखा, बिल्कुल लेंस, बिल्कुल लेंस और एक्टर, तो इमेज कहाँ, लेंस की साइड में फॉर्म हो रही है, बहुत बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है, और क्या इरेक्ट और अपराइट इमेज फॉर्म हो रही है, तो उसने आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जा रहा है, इमेज बड़ी होती जा रही है,
तो उस तरह से इमेजिंग में आज हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। प्रीवियस में आपने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, हम देखेंगे रूट थ्री फॉर्म्स होते हैं। तो पता है कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जब भी कोई ये फर्स्ट रूल ये कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होती है, कॉन्केव लेंस से टकरा के रिफ्रैक्ट होके क्या होती है, वो डाइवर्ज होती है। ऐसा लगता है कि पीछे मीट करने पे कहां F1 पे मीट हो रही। सेकेंड रूल क्या है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज जब आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्टेड वो क्या होती है, जैसे तीन रूल थे कॉन्केव रे और लेंस के, थ्री रूल है। सर थर्ड रूल क्या है कि जब दिस इज अ कॉन्केव लेंस, दिस इज सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ज्यादा बच्चों स्टूडेंट बहुत पास में हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। जब लेंस जब होती है रे होती है ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, अनडिविएटेड यानी बिना मुड़े ही वो सीधी ही निकल जाती है। तो ये सीधी के लिए तीन रूल है। अब तीन रूल के बिहाफ से हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। हम देखेंगे कॉन्केव लेंस से जो इमेज फॉर्म कहाँ होती है, तो हम इसका रे डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, हम इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, फर्स्ट अकॉर्डिंग जो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि पीछे मीट करवाते हैं तो ये फोकस पे जाके मीट होती है। अब सेकेंडरी जब प्रिंसिपल इमेज फॉर्मेशन टू इज रहा तो सेकेंडरी जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो क्या होगा, वो भी डाइवर्ज हो जाएगी और ये मीट कराने पे कहाँ होगी, फोकस से मीट होगी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो सेम साइड कहाँ रही, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी उसकी सेम साइड पे कहाँ सेम साइड हो रही है, एज ऑब्जेक्ट और लेंस के सेम साइड, तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट और लेंस एंड लेंस। सेकेंड क्या है, ये वर्चुअली यानी मीट नहीं हुई, इसको वर्चुअली मीट करवाया गया तो वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा क्या होती है, इरेक्ट और अपराइट, और अपराइट। साइज के बहुत छोटी पॉइंट्स है, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस जब हम उसको इन्फिनिटी पे रखते हैं। अब देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को हमने डेफिनेट पोजिशन पे रखते हैं, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को डेफिनेट पोजीशन पर रखने पे आप देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होती है, तो सीधी निकलेगी, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, कहाँ होगी पीछे, कहाँ आगे मीट करेगी, फोकस मीट करेगी। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, तो ये इमेज कहाँ, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, इमेज कहाँ, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, तो ये ए वन है, इसमें बी वन है। तो हमने अपने इमेज को कहाँ रखा, जब ये डेफिनेट पोजीशन पर रखा तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, लेंस एंड फोकस, तो लेंस एंड फोकस। सेकंड था स्टूडेंट्स इमेज क्या होती है, वर्चुअल है, क्योंकि वहां पे इसको पीछे मीट करवाया है हमने, तो स्ट्रेट आप सीधे लाइन आ जाएगी, अब उसके बाद रहते थे वर्चुअल, और वर्चुअल क्या होती है हमेशा डायरेक्ट और अपराइट। साइज के स्टूडेंट्स का साइज ऑब्जेक्ट का बड़ा हो, इसका साइज छोटा है, तो क्या होगा, डिमिनिश्ड, साइज क्या है, डिमिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।